बच्चों, रसायन के कालांश, रसायन की पाठशाला में आज एक नई हेडिंग लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसके अंतर्गत हमें प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की कोटि को निर्धारित करने के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ और ग्राफीय मेथड की चर्चा करेंगे। पिछले कालांश में इसी तरह का टॉपिक शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए पढ़ा था। आज हम सेम टॉपिक प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा बच्चों, एक भी चीज मिस नहीं होगी। आप किसी तरह का एग्जाम देते हैं, आप अपने बोर्ड एग्जाम देते हैं, आप AIEEE देते हैं, आप IIT देते हैं, आप NEET देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, इससे क्वेश्चन यदि आता है तो आपको वो मिस नहीं होगा। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं बच्चों। लेकिन आपको एक काम करना है, लगातार मेरे साथ बने रहना है पूरे 50 मिनट 40 मिनट जो भी कालांश होता है। आइए नई हेडिंग लगाते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हम पढ़ेंगे समाकलित दर विधि। क्या पढ़ेंगे बच्चों? समाकलित दर विधि या नियम। नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं बच्चों, ऐसा वैसे दिख रहा होगा ना, समाकलित दर नियम की हम व्याख्या कर रहे हैं। ये क्या है? इससे हम केमिकल रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर की हैं, उनकी ऑर्डर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसको हमें चर्चा करनी थी। हमने माना सामान्यतः, मैंने फिर आपको बताया बच्चों, A=2 प्रोडक्ट। सामान्यतः आपकी जो पुस्तकें हैं, जो भी बुक्स हैं, 99.9% केस में इसी तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं की हम चर्चा करेंगे, जिसमें A=2 प्रोडक्ट टाइप रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। इसके बारे में हम जानते थे, इसकी जो रेट होती थी, स्मॉल r भी लिखते हैं, रेट = K A^1। यह हम जानते थे पहले से, इसके लिए यह रेट लॉ होता है, ठीक है ना। हमें इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना था। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। हम पहले से जानते हैं बच्चों, जब इस अध्याय का पहला कालांश चालू हुआ था, हमने बताया था जैसे जैसे समय बीतेगा, इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी हो जाएगी और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन जो आई थी -dA/dt। हम इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते थे, एक ये रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते थे, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन हम डायरेक्ट निकाल सकते थे निश्चित समय अंतराल में क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम भी रेट लॉ निकाल सकते थे। दोनों ही रेट थी, ये और ये दोनों ही वैल्यू केमिकल रिएक्शन की रेट है, इनको इक्वल कर सकते हैं, -dA/dt = K और A, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए चरों का पृथक्करण कर लें, A को यहां ले आए, dt को वहां ले जाए, और माइनस साइन भी वहीं डाल दें बच्चों, तो हो गया dA/A = -dt, और के और है साथ में ना, -kdt। हमने आपको पहले भी बताया था, d जब हमने लगाया था वह ताक्षणिक परिवर्तन था, सूक्ष्म परिवर्तन के लिए d लगाया था, लेकिन जब हम समाकलित दर नियम लगाते हैं तो वह किसी भी सांद्रता पर किसी भी समय हम लगा सकते हैं, इसलिए पूरी सांद्रता और पूरे समय को कवर करने के लिए उपरोक्त समीकरण का दोनों पक्षों में हम समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? समाकलन कर देंगे, और इसको समाकलित करके इस तरह से लिख सकते हैं हम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx = होता है log x, ये हमने पढ़ा हुआ है। जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी के छात्र हैं उन्हें याद कर लेना है, 1/x dx log x होता है। इसी प्रकार ये 1/a dA है, तो यह log a हो जाएगा। ये 1/a dA को हम log a लिख सकते हैं, तो हमने लिखा इंटीग्रल 1/a dA को log a लिख दिया, और
डीटी का इंटीग्रेशन हमने पहले बताया था बच्चों, टी होता है यानी माइनस के टी प्लस सी। सी क्या है? सी समाकलन, सी क्या है? समाकलन स्थिरांक है। सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं, और ये इस लॉग का बेस ई है, यह भी याद रखना है हमें। हमने इक्वेशन वन मान ली, हमने माना यदि हमारी रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुई है तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ए की जगह हम ए नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए की जगह ए नॉट लिखेंगे। कब? जब केमिकल रिएक्शन हमारी प्रारंभ नहीं हुई है। इन दोनों वैल्यूओं को इसमें पुट कर दिया, लॉग ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, टी की वैल्यू हो गई 0 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू आ गई है लॉग ए नॉट। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो आ गया लॉग ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ए नॉट। चूंकि लॉग की सारी गणनाएं जब की जाती हैं तो उसमें लॉग का बेस 10 होता है, यहाँ पे बेस ई है। ई बेस के लॉग को 10 बेस के लॉग में चेंज करने के लिए इसमें 2.303 का गुणा कर देते हैं, अर्थात हो गया 2.303 लॉग ए, अब बेस 10 हो गया, के टी प्लस 2.303 लॉग ए नॉट। अब इसका बेस 10 हो गया। पूरी समीकरण में 2.303 का भाग दे दें यदि हम, तो आ जाएगा लॉग ए इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 टी प्लस लॉग ए नॉट। ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। क्या है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम है, ठीक है ना? जैसे शून्य कोटि के लिए निकला था, ऐसे ही यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम है। यदि हम ग्राफीय निरूपण विधि का उपयोग करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई की जगह लॉग ए है, एक्स की जगह टी है, इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। इसका मतलब यह हुआ, यदि हम किसके बीच, वाई यानी कि लॉग ए और टी के बीच में कर्व खींचें, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसकी निगेटिव स्लोप होगी। स्लोप कैसी होगी? निगेटिव स्लोप होगी, और उस स्लोप की वैल्यू जो होगी, उस स्लोप की वैल्यू जो होगी बच्चों, वो होगी माइनस के अपॉन 2.303। इसको हम टेन थीटा भी लिखते हैं, कभी कभी थीटा के क्वेश्चन आ जाए। थीटा ये एंगल होता है, और जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे, ये जो इंटरसेप्ट किया है वह लॉग ए नॉट होगा। क्या होगा? लॉग ए नॉट। ये हमें इक्वेशन मिल गई स्ट्रेट लाइन की। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे, के फॉर्म में लिखेंगे। व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां ले आएंगे, के टी को प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। चलिए आगे हल किया, लॉग एम माइनस लॉग एन को हम लॉग एम बटे एन लिख सकते। क्या कह रहा हूं मैं? लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बटे एन हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते क्या? के टी इक्वल अपॉन 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए, और सॉल्व कर लिया। हमने के की वैल्यू निकालनी है, के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग
ए नॉट डिवाइडेड बाई ए। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वह इस सूत्र से किए जाएंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, समय और सांद्रताओं के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस सूत्र से किए जाएंगे। यहां कौन सी चीज क्या है, मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया में बताया था, इसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, के जो है, ये जो के है ये रेट कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट। के रेट कांस्टेंट है। टी क्या है? टाइम है। ए नॉट क्या है? ए नॉट जो है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, जब ये अभिक्रिया चालू नहीं हुई थी, शुरुआत होने के लिए तैयार थी, उस समय जो क्रियाकारक की सांद्रता थी वो है, यानी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। यह क्या है? यह है शेष सांद्रता। शेष सांद्रता का मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया उसको हटा देना है, उसके बाद जो बच गया वह है, जैसे क्वेश्चन आता है एक रासायनिक अभिक्रिया 70% कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब 70% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया तो कितना बचा होगा, 30% बचा होगा। ये याद रखना बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूं, ए वो सांद्रता है जो केमिकल रिएक्शन में टी समय के पश्चात उत्पाद बनने के पश्चात शेष बची है। एक क्वेश्चन लगाते हैं, इसका प्रश्न लगाते हैं बच्चों, एक दो प्रश्न यही कर लेते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, ए इक्वल टू प्रोडक्ट, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, किसकी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया है यदि 2×10^9 घात न लगा, ऐसे लिख रहे, यदि 60 मिनट बाद, यदि 60 मिनट में, 60 मिनट बाद 800 मोल प्रति लीटर क्रियाकारक की सांद्रता, 800 मोल प्रति लीटर क्रियाकारक की सांद्रता 50 मोल प्रति लीटर, 800 मोल क्रियाकारक प्रति लीटर की सांद्रता 50 मोल प्रति लीटर रह जाती है तो इसके लिए वेग स्थिरांक के की गणना कीजिए एवं बताइए कि 200 मोल प्रति लीटर सांद्रता शेष रहने में कितना समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया है हमें क्वेश्चन में। हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 800 मोल प्रति लीटर, अर्थात ए नॉट दे रखा है 800 मोल प्रति लीटर, और दे रखा है क्रियाकारक की सांद्रता 50 मोल प्रति लीटर रह जाती है, यानी इतनी बची हुई सांद्रता है, अर्थात 750 ने प्रोडक्ट बना लिया, अर्थात ये दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी, डायरेक्ट दे रखी हमें 50 मोल प्रति लीटर, और हमें टी दे रखा है 60 मिनट। हमें के निकालना है, पहला प्रश्न है के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, फॉर्मूला हम जानते हैं, के इक्वल टू जानते हैं हम, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की वैल्यू हो गई 60, यहां रख रहा है डायरेक्ट, लॉग बेस में 10, ए नॉट 800 है और ए 50 है, इसको हटाया, ये इससे 16 बार कटे, यानी आ गया 2.303 अपॉन 60 लॉग
16 आएगा, और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को 4 log 2 लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं 4 log 2, यानी क्या हो जाएगा k इक्वल टू आ गया 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 log 2, 4 log 2, ये इससे 15 बार कट गए, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, कितनी होती है बच्चों 0.3, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2.303 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 15, जो भी आंसर आएगा वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आ जाएगा। निकाल भी जो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल लिया था, जो कि लॉग ए इक्वल टू माइनस के टी और लॉग ए नॉट था, यदि हम गणनाएं करेंगे तो उसमें लॉग का बेस हमें 10 लेना था, तो हमने लॉग 10 ए इक्वल टू के अपॉन 2.303 टी प्लस लॉग 10 ए नॉट फॉर्म निकाला था, और यदि हम गणनाएं करेंगे तो निकला था k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a, यह फॉर्मूला आया था। साथ में हमने log 2 की जो वैल्यू थी 0.3010 से 0.30 हम यूज करेंगे, log 3 0.4770 की जगह 0.48 यूज करेंगे, और log 5 0.6990 की जगह 0.70 हम यूज करेंगे, हमारे आंसर ऑलमोस्ट आ जाएंगे। नई बात पढ़ते हैं, हम पढ़ें प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का अर्ध आयुकाल पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है बच्चों? अर्ध आयुकाल क्या होता है, ठीक है ना? अर्ध आयुकाल, इसका अर्धायुकाल क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का हाफ लाइफ टाइम या अर्धायुकाल उस रासायनिक अभिक्रिया का, जैसे ए इक्वल टू प्रोडक्ट रिएक्शन है, तो अर्धायुकाल जब होगा, जब टी हाफ होगा, तो 50% अभिक्रिया, 50% अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। कितनी हो जाएगी पूर्ण? 50% अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, अर्थात आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, अर्थात जो इसका कंसंट्रेशन आएगा वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगा, जो प्रारंभिक सांद्रता होगी उसकी आधी बचेगी। ये क्या होता है? टी समय के पश्चात बची हुई सांद्रता होती है वो प्रारंभिक की आधी रहेगी। तो परिभाषा क्या हुई? अर्धायुकाल किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वह समय होता है जिसमें 50% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, अर्थात 50% अभिकारक शेष बचता है, ठीक है ना? इस वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर दें, यदि हम लिखें k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी, और टी हाफ लाइफ टाइम है, ए लॉग बेस में 10, ए नॉट और ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, यानी k इक्वल टू 2.303 टी हाफ log 2 आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू 0.3 रखेंगे हम, और यहां पे आएगा 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3, और आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, या ऐसा लिखा आ जाए, यहां हम लिख दें टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, किसी भी तरह से लिखा हो सकता था। बच्चों इससे पहले हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल पढ़ा था, वह आया था टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k आया था, अर्थात वह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा था, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल में सांद्रता का पद नहीं है, कोई भी सांद्रता का पद नहीं है, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यह भी प्रश्न आता है कि
सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको यहां से प्रारंभ करके यहां तक कर देना है, इससे स्पष्ट हो गया कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम इसको यहां लिखें टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के है, अर्थात यहां कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, यह टर्म नहीं है, तो हम यदि अर्धायुकाल और सांद्रता के बीच एक कर्व खींचेंगे तो यहां सांद्रता के पद पे कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं आएगा, अर्थात इस तरह का ग्राफ आएगा। किसके लिए? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल और सांद्रता के बीच का ग्राफ इस तरह का आएगा, ठीक है ना। ये भी बात आपको समझ में आ रही है। आगे आते हैं, हमने एक और पढ़ा था टी लाइफ किसी भी अभिक्रिया का वह समय होता है जिसमें 100% ऑलमोस्ट रिएक्शन कैसी होती है, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, 100% रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, ऑलमोस्ट 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, अर्थात यहां कुछ भी नहीं बचेगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, टी लाइफ में ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। टी लाइफ का मतलब वह समय जिसमें 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। चलिए इसको रख दें, अगर इस वैल्यू में रखें टी लाइफ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई जीरो, यानी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, अर्थात टी लाइफ जो होगा वह इनफाइनाइट होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट, अर्थात कभी भी कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होगी यदि वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या कह रहा हूं मैं, टी लाइफ कितना आया, अनंत समय आया, अर्थात एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। इसका मतलब यह हुआ वह कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। एक नया फॉर्मूला मिल गया हमें, टी एल आई एफ इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अर्थात वह अनंत समय होता है, अर्थात ये कंप्लीटेशन की ओर नहीं होंगी। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। प्रश्न दिया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए इक्वल टू प्रोडक्ट, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है ना। 2 मिनट पश्चात लिखा, 2 मिनट पश्चात मिनट बाद 2 मोल प्रति लीटर 2 मिनट पश्चात इतना 2 मोल प्रति लीटर क्रियाकारक की सांद्रता 0.5 मोल प्रति लीटर रह जाती है, इसका टी हाफ ज्ञात कीजिए, इसका अर्धायुकाल क्या होगा। क्योंकि अर्धायुकाल ज्ञात करने के लिए बच्चों पहले हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ती है। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, के की वैल्यू निकालनी पड़ती है। पहले हम के निकाल लें, हमें क्या दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट दे रखा है 2 मोल प्रति लीटर, और कितना बचा 2 मिनट पश्चात, ए दे रखा है 0.5 मोल प्रति लीटर, कितने मिनट पश्चात बचा है 2 मिनट पश्चात, हमें टी हाफ निकालना है। चलिए लगाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग बेस में 10 इनिशियल कंसंट्रेशन 2 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन 0.5, इसको हटाया ये यहां पे 20 होगा, 4 बार कटा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन 2, 4 हो जाएगा 2 log 2, और log 2 की वैल्यू रख देंगे, 2 से 2 कट गए, कितना आया 2.303 मल्टीप्लाई 0.30, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.30, यानी k इक्वल टू आ गया
0.693, ये के की वैल्यू हो गई सेकंड इनवर्स, कितनी हो गई 0.693 सेकंड इनवर्स हो गई। चलिए अब हमें निकालना है टी हाफ। टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, 0.693 और 0.693, अर्थात इसकी वैल्यू 1 मिनट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? 1 मिनट। 2 मिनट पश्चात 2 मोल प्रति लीटर क्रियाकारक 0.5 मोल हो जाता है, तो आधा कितने में होगा? अर्धायु काल कितना होगा? अर्धायु काल इसका 1 मिनट होगा। कितना होगा बच्चों? 1 मिनट होगा। इसको नोट कर लो, 2-3 प्रश्न और कराते हैं आपको इसके। एक दो प्रश्न और लगाते हैं। प्रश्न दिया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, किसकी बच्चों? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया पांच मिनट में 25% पूर्ण होती है, तो 75% क्रिया पूर्ण होने में लगा समय बताइए। यानी कि 75% रासायनिक अभिक्रिया कितने समय में हो जाएगी? चलिए पहले इसको एक सामान्यतः लॉन्ग मेथड से कर लें, फिर एक हम बहुत शॉर्ट मेथड बताएंगे जिससे बहुत से सवाल हल हो जाएंगे बच्चों। पहले सामान्यतः करें, जब भी 2% के क्वेश्चन आते हैं, 1% से हम के की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। परसेंटेज के सवाल में क्या क्या दिया है हमें? पहले में दे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन, परसेंटेज में हमेशा हम 100 मानेंगे। कितना मानेंगे हम? 100 मानेंगे। 75% की बात कर रहा है, 5 मिनट में, यानी टी इक्वल टू कितना है? जब टी इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? लिखा है 5 मिनट में 25% पूर्ण हो गई है, तो बच कितनी गई? ए वह सांद्रता होती है जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद शेष बचती है, यानी इसकी वैल्यू 75 है, 75 है। तो हमें निकालना है वह कौन सा समय होगा, वह कौन सा समय होगा जिसमें 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात ए की सांद्रता 25 बचेगी। इसके लिए समय हमें निकालना है, ठीक है ना? पहले ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, हम के की वैल्यू निकालते हैं। के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। वैल्यू रखें 2.303 डिवाइडेड बाई 5 लॉग इनिशियल है 100 और फाइनल है 75, यानी के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 5 लॉग 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 25 से 4 टाइम और 3 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 टाइम ये 3 टाइम आ जाएगा। 2.303 डिवाइडेड बाई 5 log 4 माइनस log 3। वैल्यू पुट कर दो, 2.303 डिवाइडेड बाई 5 log 4 की वैल्यू बच्चों, log 4 की वैल्यू होती है 2 का डबल, यानी कि 0.60, और इसकी होती है 3 की 0.48, यानी आंसर आया और डिवाइडेड बाई कितना है? 3 था ना? हाँ ठीक है, लिख दिया है। आंसर आया 2.303 डिवाइडेड बाई 5 और ये आया 12। कितना आया बेटा? 12, 0.12। ये के की वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, अभी इसको सॉल्व नहीं करना, इतना ही रहने देते हैं, बाद में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए चलिए वैल्यू रखते हैं हम। अब हमें टी निकालना है 2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी है लिखी है ये
2.303 इंटू 0.12 और 5 ऊपर पहुंच जाएगा, लॉग ए नॉट, ए नॉट 100 है और ए कितना है 75, रिएक्शन कंप्लीट होने पर ए होगा 25, इसकी वैल्यू 25 रख दी हमने, आंसर ये तो इससे कैंसिल हो गए, अर्थात आया 5/0.12 और आ गया log 4, कितना आ गया log 4, log 4 यानी कि 2 log 2 कितना होता है t इक्वल टू 5/0.12 और log 4 होता है 0.6, log 4 की वैल्यू कितनी होती 0.60, पॉइंट से पॉइंट कट गया और यह 5 टाइम कटा यानी कि 5 × 5 यानी कि 25 मिनट, कितना आ गया 25 मिनट में वो 75% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी, अर्थात यहां 5 मिनट लग रहा था यहां 25 मिनट लगेगा, अर्थात 5 गुना समय लगेगा। बच्चों इस तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं, एक मैं बहुत सिंपल तरीका, बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूं जिससे इस तरह के 2% वाले प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। हमने माना इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, कितना है भाई इनिशियल कंसंट्रेशन, कितना है प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट है, कितनी है ए नॉट है, जो T1 समय है, T1 समय पर A की वैल्यू स्मॉल a है, कितनी x भी मान सकते हैं हम, कितनी है x है, और T2 समय पर a की वैल्यू y है, कितनी है a की वैल्यू y है, एक ही रिएक्शन है, प्रारंभिक सांद्रता बराबर रहेगी, परसेंटेज आएगा तो यहां 100 रख देंगे हम, क्या कह रहा हूं मैं, परसेंटेज आएगा तो यहां 100 रख देंगे हम। चलिए सॉल्व करते हैं, यदि हम तो हम लिखें, यदि T1 लिखेंगे तो आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट अपॉन एक्स, इसी प्रकार हम T2 लिखेंगे 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन वाई। यदि T1 और T2 को डिवाइड कर दें हम, T1 अपॉन T2 करेंगे, ये राशि कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा log, बेस में 10 है बेटा सबके, है ना, a नॉट अपॉन x और log a नॉट अपॉन y। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले से 2% वाले या 2 टाइम वाले सभी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इससे करना चाहें बहुत आसान हो जाएगा, T1 कितना दे रखा है परसेंटेज वाले सवाल में जो ए नॉट आएगा वह हमेशा कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा, यदि परसेंटेज वाला सवाल होगा तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू log 100 अपॉन x और log 100 अपॉन y, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे कब, जब हमारे सवाल परसेंटेज वाले होंगे, प्रतिशत वाले सवाल होंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस क्वेश्चन को यदि हम इससे करके देखें, ये जो क्वेश्चन था कितना था 25% में 5 मिनट लग रहे हैं, 75% में कितने मिनट लगेंगे यह हमें निकालना था, बिल्कुल आसान हो गया। अब तो T1 कितना दे रखा है 5, T2 हमें मालूम नहीं है, log 100 अपॉन 25% कंप्लीट यानी 75 बचा, डिवाइडेड बाई log 100 अपॉन 75% कंप्लीट यानी 25 बचा, 25 यानी 5/T2 इक्वल टू log 4 माइनस log 3, इसमें 4/3 आएगा और ये log 2 बचेगा, log 4 आएगा, ये log 4 की वैल्यू 0.60 और इसकी वैल्यू 0.48 और इसकी 0.60, यानी आया 5/T2 इक्वल टू 0.12, 0.60, ये इससे 5 टाइम कटा और T2 की वैल्यू 25 मिनट आ गई।
कितनी आ गई टी टू की वैल्यू, 25 मिनट आ गई। बहुत आसान होगा ये इसका लॉन्ग कट मेथड है, ये शॉर्ट कट मेथड है, इससे बहुत आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। इसको नोट कर लो, दो तीन रिलेशन के प्रश्न और बताते हैं बच्चों आपको, फिर आपकी ग्राफी मेथड बताएंगे। एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं जो रिलेशन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आया रिलेशन बताना है, रिलेशन बताना है किसमें बताना है, बिटवीन टी 50% एंड टी 75%। किसमें बताना है भाई? वह समय जिसमें केमिकल रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है और वह समय जिसमें रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है, इसमें क्या आपस में रिलेशन है? आप डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, T1 अपॉन T2 इक्वल टू लॉग परसेंटेज, तो 100 अपॉन एक्स और लॉग 100 अपॉन वाई। T1 हमें मालूम नहीं है और T1 लिख देता 50% वाला है और T2 75% वाला है। T1 कौन सा है? जहां रिएक्शन 50% हो रही है और T2 75% हो रही है। लॉग 100 अपॉन 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही, इसका मतलब यह है 50% रिएक्टेंट शेष बचा है अभी। एक्स और वाई वह हैं, क्या कह रहा हूं मैं, एक्स और वाई रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बचे हुए पदार्थों की मात्राएं हैं। ये जो एक्स वाई हैं वो बचे हुए पदार्थ की मात्राएं हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए इसकी बात 50 है और लॉग बेस में 10 है, ये भी अगर नहीं लिखते 10 माना जाता है बेटा। 100 अपॉन 75% कंप्लीट, यानी ए की वैल्यू जो आएगी वो 25 आएगी और यहाँ 50 आएगी। 75% कंप्लीट का मतलब कि 25% रिएक्टेंट बचा रह गया, यानी आया T50 अपॉन T75 इक्वल टू लॉग 2 अपॉन लॉग 4, T50 अपॉन T75 इक्वल टू लॉग 4 को लिख सकते हैं 2 लॉग 2। लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 लॉग 2। ये इससे कैंसिल हो गया और 2 यहां चला गया, अर्थात T75 इक्वल टू 2 इंटू T50। अर्थात प्रश्न आता है, क्या क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 75% कंप्लीट होने में लगा समय 50% कंप्लीटेशन का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। हमने निकाल लिया 75% में लगा समय 50% में लगे समय का 2 गुना होता है, अर्थात हमें यह रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया? T75 इक्वल टू 2 इंटू T50। यह एक रिलेशन, इस तरह के बहुत प्रश्न आते हैं। एक रिलेशन और निकालते हैं हम, T50 और T99.9। प्रश्न है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगा समय और 99.9% पूर्ण होने में लगे समय के बीच क्या संबंध होता है? या वैसे हम बता दें कि ये जो समय है वो इसका 10 गुना होता है, इसको हमें सिद्ध करना है। ये इसका 10 गुना होता है, ये वाला समय इससे क्या लगेगा, यानी T99.9 जो आएगा वो 10 इंटू T50 आएगा। ये हमें रिलेशन निकालना है। चलिए हम करके देखें कितना आता है। वैल्यू रखें हम T50 अपॉन T99.9 इक्वल टू लॉग 100 अपॉन 50 को तो 50 ही आएगा और लॉग 100 अपॉन, जब 99.9 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो बचेगा कितना बच्चों? 0.1, 100 में से इसको माइनस करेंगे, 0.1 बचेगा,
क्योंकि 100 था, 99.9 कंप्लीट हो गया, 0.1 बचा, 0.1, और सॉल्व किया टी 50 अपॉन टी 99.9, इसकी वैल्यू आई लॉग 2 और इसकी वैल्यू आई यहां से हटाए 0 आ गया लॉग 1000, लॉग 2 की 0.30 और 1000 की होगी 3, होगी लॉग 10 की पावर 3, ठीक है ना। और इसको हम लिख सकते हैं टी 50 अपॉन टी 99.9 इक्वल टू 0.3 और 3 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, 0.30 अपॉन 3, यहां से हटाया 2 जीरो लगा दिए, ये इससे 10 बार कट गया, अर्थात टी 50 अपॉन टी 99.9 इक्वल टू 1 अपॉन 10 और ये हो जाएगा टी 99.9 इक्वल टू 10 इंटू टी 50, अर्थात एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय 50% पूर्ण होने में लगे समय के 10 गुना होता है। कितने गुना होता है? 10 गुना होता है। इसको नोट कर लो। एक प्रश्न और बताते फिर ग्राफीय निरूपण करते हैं। एक प्रश्न और लगाते हैं। प्रश्न है एक प्रथम कोटि की क्रिया में 0.2 मोल प्रति लीटर क्रिया कारक 40 मिनट बाद 0.08 मोल प्रति लीटर रह जाता है, तो कितने समय में इसकी सांद्रता 0.02 मोल प्रति लीटर होगी, इस एवं इसका टी हाफ भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? टी हाफ भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? क्या दिया हुआ है? इनिशियल कंसंट्रेशन 2 दिया हुआ है, 0.2 मोल प्रति लीटर, और 0.2 मोल प्रति लीटर इनिशियल दिया हुआ है। 40 मिनट जब रिएक्शन हुई अर्थात टी इक्वल टू 40 मिनट रिएक्शन हुई, तो इसका कंसंट्रेशन 0.08 मोल प्रति लीटर बच गया, इतना शेष रह गया। यह बताना है कितनी अभिक्रिया करी जाए, कितने समय रिएक्शन संपन्न की जाए कि इसका कंसंट्रेशन इस 0.2 से घटकर कितना बचे, 0.02 बचे, 0.02 मोल प्रति लीटर रह जाए। अर्थात यह हमारा T1 है, यह हमारा X है, यह T2 है और यह हमारा Y है। अर्थात T1 समय पर कंसंट्रेशन 0.08 मोल प्रति लीटर है, T2 समय पर कंसंट्रेशन तो किस समय पर कंसंट्रेशन 0.02 होगा? हमें आसानी से हो गया क्वेश्चन। T1 अपॉन T2 इक्वल टू लॉग इनिशियल अपॉन X और लॉग इनिशियल अपॉन Y। वैल्यू पुट करें, T1 की वैल्यू है 40, T2 की हमें फाइंड करना है, लॉग इनिशियल कितना है हमारा, इनिशियल तो 0.2 है, और यहां जो पहली कंडीशन थी 40 वाली कंडीशन में बचा था 0.08 बचा था, और यहां इनिशियल 0.2 था और हमें चाहिए था 0.02,
हल किया 40 बटे टी टू लॉग, ये जब हटाएंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा, अर्थात 10 बटे 4 लिख देंगे, ज्यादा आसान है हल करना, है ना। 20 बटे 8 है, 10 बटे 4 लिख दिया, और यहाँ आएगा लॉग, ये भी हटाएगा तो 20 बटे 2, सॉल्व किया इसमें आएगा लॉग 10 माइनस लॉग 4, और 20 बटे 2 हो जाएगा लॉग 10, और सॉल्व किया 40 बटे टी टू इक्वल टू आ गया लॉग 10 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0.6, लॉग 4 की वैल्यू 2 का डबल और इसकी वैल्यू 1, अर्थात आया 40 बटे टी टू इक्वल टू 0.4, टी टू इक्वल टू 40 बटे 0.4, अर्थात यहां से हटाया 10 लगा दिया, ये 10 बार कट गए, अर्थात टी टू की वैल्यू 100 मिनट आ गई। कितनी आ गई? पहला प्रश्न था कितने मिनट पश्चात इसका सांद्रता 0.02 रह जाएगी, कितने मिनट पश्चात रह जाएगी? 100 मिनट पश्चात रह जाएगी। अगला प्रश्न है इसका अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। अर्धायु काल के लिए हमें रेट कांस्टेंट चाहिए था, रेट कांस्टेंट की वैल्यू रख दें, जैसे के इक्वल टू हम जानते थे 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, बेस में 10 होता है, नहीं भी लिखा है तो 10 माना जाता है बच्चों, नहीं एलओजी लिखा है तो 10 ही माना जाता है ना। के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की वैल्यू हमने रखी 40, लॉग फाइनल इनिशियल कितना था 0.2 और फाइनल 0.08, पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं। इसकी जब हमने वैल्यू निकाली थी, अभी इसकी वैल्यू निकाली थी, ये वाली वैल्यू हमारी आई थी 0.4, कितनी आई थी बच्चों 0.4, यानी आएगी के इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू 0.4, यहां से हटाया 10 लगा दिया और ये इससे 10 बार कट गए और आ गया 2.303 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्यों? सेकेंड मिनट आएगा ना, मिनट है तो मिनट, ये इसका क्या आ गया, हाफ लाइफ टाइम आ गया, के आ गया, सॉरी के आया तो सेकेंड इनवर्स आएगा ना, के आएगा तो सेकेंड इनवर्स। अच्छा, हमें टी हाफ निकालना था, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, वैल्यू रख दी 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 2। जब इसको हल करेंगे बेटा, ये यहां हटाए और ये भी हटाए, सीधे सीधे हट गए, ये अप्रोक्स इससे 3 टाइम कट जाएगा, कितने टाइम कट जाएगा, यहां से 1, 2, 3, इसको नहीं हटाएंगे, अगर 0.693 जो था हमारा, इसको लिखा था हमने 0.2, ये इससे जब कटेगा तो आएगा 0.30, तो आएगा 0.30 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 2, यानी 3 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 1, ये इसका हाफ लाइफ टाइम हो गया, कितना 3 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 1, ये क्या हो गया, इसका हाफ लाइफ टाइम हो गया, इसको नोट कर लो आप। अच्छा, इसमें मिस्टेक हो रही है बच्चों, ये 10 की पावर 2 यहां प्लस में आ जाएगा ना, 10 की पावर 2 किस में आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, तो इस जब 10 की पावर 2 प्लस में आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसमें एंटर आएगा इसका 30 मिनट हो जाएगा ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 30 मिनट हो जाएगा, इसको नोट कर लो बेटा आप, अब ये वाला नोट कर लो, है ना, इसका आंसर क्या आएगा 30 मिनट, क्यों ये माइनस 2 से ऊपर जाके प्लस 2 हो जाएगा ना, प्लस 2 हो जाएगा 30 मिनट आएगा। चलिए हम शून्य कोटि के सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या ग्राफीय निरूपण करते हैं, क्या ग्राफीय निरूपण करते हैं। पहला मान लिखते हैं आर इक्वल टू जो रेट है इक्वल टू के इंटू ए, हम जानते हैं अर्थात रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात
रेट और कंसंट्रेशन के बीच हम कर्व खींचेंगे तो वाई इक्वल टू एम एक्स से इसकी कंपेरिजन कर लेंगे, रेट और कंसंट्रेशन के बीच एक कर्व खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि मूल बिंदु से होकर जाएगी और इसकी जो स्लोप होगी वह के होगी। क्या होगी? स्लोप के, इसकी स्लोप हो जाएगी किसके बीच? रेट और कंसंट्रेशन के बीच खींचेंगे, वाई अपॉन वाई इक्वल टू एम एक्स से कंपेरिजन करेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी मूल बिंदु से जाएगी और स्लोप के आएगी। अच्छा दूसरा देखे लिखा हुआ था लॉग ए ई वाला था ना, इक्वल टू था माइनस के टी प्लस लॉग ए नॉट, ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे और हम लॉग ए और टी के बीच हम कर्व खींचे हैं, किसके बीच? लॉग ए और टी के बीच कर्व खींचे हैं, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो निगेटिव स्लोप वाली होगी और इंटरसेप्ट इसका लॉग ए नॉट होगा। कितना होगा इसका इंटरसेप्ट? लॉग ए नॉट होगा और इसकी स्लोप जो होगी वह माइनस के होगी, निगेटिव स्लोप होगी इसकी जो कि नीचे की ओर जाएगी, निगेटिव स्लोप यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रही, इंटरसेप्ट यह होगा, ये इसका एंगल होगा थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में भी हम इसके फॉर्मूले लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला इसका हमने लिखा था बच्चों, हमने लिखा था लॉग ए टेन के फॉर्म में माइनस के अपॉन 2.303 टी प्लस लॉग ए नॉट, यहां भी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपैरिजन करेंगे और हम किसके बीच कर्व खींचें? लॉग टेन ए और टी के बीच कर्व खींचे, निगेटिव स्लोप वाली एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका इंटरसेप्ट लॉग ए नॉट होगा और इसकी स्लोप जो होगी वह माइनस के अपॉन 2.303, ये इसकी स्लोप हो जाएगी और ये टेन थीटा भी हो जाएगा, यह टेन थीटा भी हो जाएगा। अच्छा हम अर्धायु काल का सूत्र क्या था? टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अव्यय कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था, यानी कि इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो सांद्रता के पद में और अर्धायु काल में जब ग्राफ बनेगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा, अर्थात यह सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। कुछ एग्जाम्पल है बच्चों इसके, एग्जाम्पल है N2O5 का अपघटन, N2O5 टू NO प्लस O2, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, बैलेंस है, क्या होता है इसकी रेट हो जाएगी के N2O5 की पावर 1। एक लिखा था एस्टर का जल अपघटन,